नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त योगेंद्र पवार। मैं लेके आया हूं आपके समक्ष एक नई वीडियो। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल आस्था जी के विद योगेंद्र पवार में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि जो रूढ़ या अभाज्य संख्या होती है वो निकालने की आसान से ट्रिक है। अगर आपको पूछ ले कि 10 से 20 के मध्य या 20 से 30 के मध्य या 30 से 40 के मध्य, ऐसे भी पूछ ले आपको 70 से 80 के मध्य है कितनी संख्या होती है अभाज्य संख्या, तो उसके निकालने की आसान से ट्रिक है वो आपको बताऊंगा मैं। इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो रूढ़ या अभाज्य संख्या होती है जिसको इंग्लिश में प्राइम नंबर भी कहते हैं। तो जो प्राइम नंबर या रूढ़ या अभाज्य संख्या होती है उसकी परिभाषा समझनी आवश्यक है पहले। तो जो रूढ़ या अभाज्य संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं? ऐसी संख्या है जो या तो एक या स्वयं से विभाजित या भाजित होती है, उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो अभाज्य का मतलब क्या हो गया? अ हो गया, भाज्य हो गया। ऐसी संख्या जिसको तोड़ न सके, इसका मतलब ये जो संख्या अभाज्य संख्या होगी वो या तो एक से विभाजित होगी या स्वयं से विभाजित होगी। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, जैसे हमारे पास दो है, अब ये दो में फिक्स है कि जो एक है एक का भाग तो जाएगा, एक का भाग किसी भी संख्या हो, मान लो जीरो भी हो तो भी उसका भाग एक में जाएगा। तो आप देख सकते जो दो है तो दो में अगर मैं एक का भाग दूं तो दो बार जाएगा एक का भाग दो में, तो इसमें हो गया कि एक का भाग गया एक बार। तो अब वापस दो का भाग दो में दो तो भी दो का भाग दो में एक बार गया। इसका मतलब ऐसी संख्या है जो स्वयं या एक से विभाजित होती है उसको क्या बोलते हैं? रूढ़ या अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। तो बस ये तो हम समझ गए कि भाई अभाज्य संख्या कौन कौन कैसी है, किसको बोलते हैं सॉरी। तो जो अभाज्य संख्या है, अगर पूछ ले कि भाई 10 से 20 के मध्य अभाज्य संख्या कितनी है, तो उसकी समझने की आसान सी ट्रिक है वो आपको बताऊंगा मैं। तो ये आप कह सकते हैं कि जो मोबाइल नंबर होते हैं उसकी ट्रिक्स है। एक मोबाइल नंबर कितने अंकों का होता है? 10 नंबर का होता है। तो आपको बस कोई नहीं करना है, आपको एक नंबर याद रखना है केवल 4422323 और 21। अब देख सकते हो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप ये तो आप जानते हो कि जो मोबाइल नंबर होते हैं वो आपको याद रहते हैं अधिकतर, मतलब आप जितने चाहो मोबाइल नंबर याद कर सकते हो। तो आप एक क्यों ना एक इसको भी याद कर दे, तो जो 42 22 32 23 21 इसको अगर याद कर दो सौ टिक से भी सुम्मानी हो गए। पहले 44 के आधे कितने हो गए? 22 हो गए। 22 के बाद में 32 हो गए, 32 को आप उल्टा लिख दो ये 23 हो गए और 21 हो गए। सबसे शॉर्ट ट्रिक्स है। अब इस जो ये ट्रिक्स है हमारे नंबर लिखे, नंबर का यूज़ कैसे करना है, जैसे आपको पूछ ले कि भाई जो 10 से लगाकर या 10 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो ऐसे तो आप कैसे बता सकते हो कितनी हो सकती है? तो मैं पहले लिख लेता हूँ 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गए। अब हमको पूछ लिया कि भाई 10 से कम कितनी अभाज्य संख्या होती है, पहले तो ये आपको बता दो जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, संख्या में सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो कौन सी होती है? सबसे पहले स्टार्ट भी वैसे होती है और सबसे छोटी भी वही होती है, क्या है? 2 है। तो ये आपको याद रखना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो कौन सी होगी? 2 होगी। और एकमात्र सम संख्या अभाज्य संख्या कौन सी होगी? वो भी 2 होगी, क्योंकि अब 2 के बाद में आप जो भी जितनी भी देखोगे वो अभाज्य संख्या कौन सी होगी? विषम होगी। तो जो ओके तो जो 2 है, 2 में हाँ, तो सबसे छोटी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है वो कौन सी होगी? 2 होगी। इसके बाद में 4 भी आएंगे लेकिन 4 होगी नहीं, 6 आएंगे 6 भी होगी नहीं, मतलब मिनिमम प्राइम नंबर इज 2 होगी। इसके बाद में देखते हैं हम 10 से कम कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो आप देख सकते हो ये आपके ट्रिक्स, सबसे अच्छी ट्रिक्स है, मोबाइल नंबर ट्रिक्स भी कह सकते हो आप। ये जो मोबाइल नंबर की ट्रिक्स होती है ये आपके देख सकते हो, 10 नंबर का मोबाइल नंबर है। अब लिख लो ये अपने 1 से लगाकर 10 तक अभाज्य संख्या 4 होगी, वापस 10 से लगाकर 20 तक अभाज्य संख्या 4 होगी, 20 से लगाकर 30 तक अभाज्य संख्या 2 होगी, 30 से लगाकर 40 तक अभाज्य संख्या 2 होगी। इसका मतलब 10 से लगाकर 100 तक अभाज्य संख्या जो अंक लिखे हुए वो अंक है,
दस से, जीरो से दस चार हो गई, दस से बीस चार हो गई, बीस से तीस दो हो गई, तीस से चालीस दो हो गई, चालीस से पचास तीन हो गई, पचास से साठ दो हो गई, साठ से सत्तर दो हो गई, इसी प्रकार सौ तक अपने लास्ट एक तक हो गई, एक संख्या होगी मतलब। तो आप गिन सकते हो टोटल कितनी होगी एक से लगाकर सौ तक। मैं कह दूँ आपको कि भाई एक से लगाकर सौ तक अभाज्य संख्या कितनी होगी, तो चार और चार आठ हो गए, आठ और दस हो गए, दस दो बारह हो गए, बारह और तीन पंद्रह हो गए, पंद्रह दो सत्रह हो गए, सत्रह और दो उन्नीस हो गए, उन्नीस और तीन बाईस हो गए, बाईस और दो सौस हो गए, सौस और एक पच्चीस हो गए। तो टोटल अपने जो प्राइम नंबर होंगे वो हंड्रेड तक कितने होंगे, ट्वेंटी फाइव होंगे। तो दस से कम कितनी अभाज्य संख्या होगी, एक तो दो है आप सबसे छोटी और असम संख्या एकमात्र, दो हो गई, इसके बाद में तीन हो गई, कि तीन का भाग, तीन ऐसी संख्या है जिसमें केवल एक का भाग जाता है और तीन का भाग जाता है, इसके बाद चार नहीं होगी, पाँच होगी, सात होगी, और एक कितनी होगी, ये अपने हाँ सात तक की होगी। तो देख लो आप एक से लगाकर दस तक कितनी हो गई, चार है अपने, तो इसका मतलब एक दो हो गई, एक दो तीन चार, चार हो गई, तो चार लिख दिया मैंने। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपको ध्यान रखनी है कि जो एक है, कभी कभी ये दोस्तों आपसे गलती हो सकती है, कभी कभी जो एक है वो एक आपको कभी भी ध्यान रखना, अभाज्य संख्या नहीं है ये, प्राइम नॉट इज प्राइम नंबर इज वन, तो जो एक है आपके वो एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि एक का भाग सभी संख्या में जाता है, तो ये अभाज्य नहीं होगी, क्योंकि सबको हम ऐसे नियम से चल रहे हैं लेके कि जो दो है दो का भाग, दो इसमें एक का भाग जाता है, दो का भाग जाता है, तो सब में एक का नियम लेके चल रहे हैं, तो ये अपने एक है वो एक भी नहीं होगी, ये आपको याद है, एक है जो एक नहीं होगी, इसके अलावा टू होगी, सबसे छोटी टू होगी और सबसे मिनिमम टू होगी प्राइम नंबर, एंड सबसे छोटी सम संख्या वो दो होगी, और एकमात्र सम संख्या भी कौन सी होगी, दो होगी, ये आपको ध्यान रखना। अब पूछ लो भाई कि 10 से 20 तक अभाज्य संख्या कितनी होगी, तो वापस वो का वो नियम लेके चलो, 10 से 20 चार होगी, तो चार कौन कौन से लिख लेते पहले संख्या, 10 से 20 ग्यारह, बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस और बीस, चार है, चार कौन कौन से होंगे, एक तो अपने ग्यारह, एक तेरह, एक सत्रह और एक होगी उन्नीस, ये आपके है। इसी प्रकार से एक से लगाकर सौ तक जितनी सम संख्या आप जितनी अभाज्य संख्या निकाल सकते हो वो इस ट्रिक से देख सकते हो आप। इसके बाद में देख सकते हो आप जो एक से लगाकर सौ तक है टोटल 25 अभाज्य संख्या है वो कौन कौन सी, वो देख लेते एक बार। पहले तो एक है, सॉरी एक क्या दो है पहले तो, इसके बाद में तीन है, पाँच सात ग्यारह तेरह सत्रह उन्नीस तेईस उनतीस तीस सैंतीस इकतालीस तिरालीस सैतालीस तिरपन उनसाठ इकसठ सड़सठ इकहत्तर तिहत्तर उन्यासी तिरासी उनबे और ये संतानवे, टोटल कितने हो गए, 25 हो गए। इसका मतलब आपको अधिक सवाल पूछा गया पहले, सेकंड में पूछा गया, और जो एग्जाम होते पटवार कॉन्स्टेबल उसमें पूछ सकते हैं आपके एक से लगा के जो 25 तक है वो कितनी अभाज्य संख्या, आपको याद रखनी 25 पच्चीस। इसी प्रकार से एक से लगाकर 50 तक टोटल कितनी होगी, तो एक से लगाकर 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होगी, 15 होगी। 15 कौन कौन सी होगी, ये याद तक होगी, 15 एक से लगाकर 50 तक अपने ये 47 तक होगी। देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और पंद्रह। इसी प्रकार से एक से लगाकर अपने ये 100 तक 25, और एक से लगाकर ये भी पूछ लेते कभी कभी, एक से लगाकर 75 तक कितनी होगी, ये पूछ लेते सवाल आया हुआ पहले, 15 तक यह होगी, 15 16 17 18 19 20 21 21 होगी, कितनी होगी टोटल 21 होगी, 15 के बाद में 16 17 18 19 20 21 होगी और 22 23 24 25 होगी, टोटल 100 तक होगी।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आऊँगा एक नई वीडियो लेके। और जो रीट के एग्ज़ाम है और कॉन्स्टेबल का भी एग्ज़ाम है साथ साथ, उसमें जो मैथ्स का टॉपिक है और उसमें अभय सिंघिया का टॉपिक मैंने आज पूरा करवा दिया, उसके अलावा जो LCM है SCM है उसके टॉपिक में लेके आऊँगा जल्दी। तो उसके लिए आपको एक काम करना होगा, मेरे चैनल राजस्थान जीके विद योगेंद्र प्रभात से जुड़ना होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना होगा। थैंक यू दोस्तों।